गुणवत्ता युक्त फल और उम्दा पैदावार या बेहतर उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने बाग की देखरेख करें। किसान भाइयों, मंजर निकलने से लेकर फल की तुड़ाई तक आपके बाग को नियमित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन प्रबंधन टिप्स को अपनाकर आप अपने बाग को कई प्रकार के कीट और रोग लगने से भी बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ करना होता है। आम में लगने वाले प्रमुख कीट हैं मधुआ। भूरे रंग का यह कीट आम को काफी नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में यह कीट पेड़ की छाल में छुपा रहता है और मंजर आने पर नई पत्तियों एवं फूलों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। यह काफी मात्रा में मधु के समान चिपचिपा द्रव्य छोड़ता है। मधुआ कीट के अधिक प्रकोप होने से पत्तों एवं फलों पर चमक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। इस कीट से बचाव के लिए पहला छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी का 1.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर करना चाहिए। दूसरा और तीसरा छिड़काव रोगर 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर करना चाहिए। मिलीबग या दहिया कीट, यह आम में लगने वाला एक दूसरा कीट है। इसके शिशु एवं मादा चिपटे तथा गोल आकार के होते हैं और इनके शरीर पर सफेद पाउडर चिपका रहता है। दिसंबर माह में ये कीड़े जमीन से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। फलों की निचली सतह, टहनियों तथा फलों पर रस चूसने वाले सफेद कीट समूह कपासनुमा शरीर के कारण जल्दी ही दिख जाते हैं और मार्च आने तक इनकी संख्या एवं इनके आकार में इतनी वृद्धि हो जाती है कि डालियों पर सफेदी सी छा जाती है। मिलीबग के आक्रमण से फूल गिर जाते हैं और फलन भी अच्छा नहीं हो पाता। उपचार के लिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह में वृक्ष के तना के चारों ओर ओस्टिको ग्रीस का 10 सेंटीमीटर चौड़ा लेप लगा दें। ऐसा करने से पेड़ पर चढ़ने वाले कीड़े इस पर सटकर मर जाते हैं, या फिर अल्काथीन या सेलोफीन कागज की 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पेड़ के चारों तरफ लपेट देने से कीट पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। यदि कीट का प्रकोप हो चुका हो तो नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर मार्च अप्रैल में छिड़काव करनी चाहिए। जनवरी माह में तने के चारों ओर गुड़ाई एवं क्लोरोपाइरिफॉस या मिथाइल पैराथोन के 200 ग्राम पाउडर या धूल का बुरकाव किया जा सकता है। एक अन्य कीट है फल छेदक मक्खी। देर से पकने वाली किस्मों में इस कीट का अधिक आक्रमण देखा जाता है। ये मक्खी काफी छोटी एवं भूरे रंग की होती है। इसके गर्दन पर पीले तथा काले धब्बे होते हैं। इसके उपचार के लिए गर्मी में बगीचे की जुताई कर दें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे फल मक्खी के अंडे या बच्चे मर जाते हैं। इसके अलावा मई माह में किसी कीटनाशी दवा का छिड़काव कर देने से फल छेदक मक्खी से लगभग छुटकारा पाया जा सकता है। तना भेदक, कभी कभी मोटी टहनियों या तने में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। बड़े आकार के पिल्लू तने के अंदर घुसकर भीतरी भाग को खाने लगते हैं और उसी में विष्ठा भी निकालते हैं, जिससे उनके पेड़ पर होने का संकेत मिलता है। तना भेदक कीट के प्रकोप से टहनियां सूख जाती हैं या कभी कभी टूटकर गिर जाती हैं। नियंत्रण के लिए नुवाक्रॉन के घोल 10 मिलीलीटर प्रति लीटर या पेट्रोल की 2 से 3 बूंद जीवित छिद्र में डालकर टहनियों के सभी छिद्रों को गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इसके गंध के प्रभाव से पिल्लू को खत्म किया जा सकता है। आइए अब आम में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जानते हैं। चुड़नील आसिता, इस रोग में मंजर निकलते समय आकाश में बादल छाए रहने पर या हल्की वर्षा होने पर मंजर अपना प्राकृतिक रंग गंवाकर काला या भूरा हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए सल्फेक्स थायोविट या कोहसान नामक फफूंदी नाशक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस तरह से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा केलेथेन 2 ग्राम को कैलेक्सीन 2 ग्राम के साथ प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें।